हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा, मन की बातें मन के काम। तो मेरी फ्रेंड बाइटी फ्रेंड आ रही है लखनऊ से, फन फूडी, इसका नाम ज्योति है। और उसके आने पर मैंने क्या क्या बनाया है, तो चलिए बताती हूँ मैंने आपको क्या क्या बनाया है। जो छोले मैंने रात को भिगोए थे वो देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं, और पानी थोड़ा सा और मैंने डाला है। अब मैं इनको गैस चालू कर दूंगी और इनको 8-10 सीटी अच्छे से लगाऊंगी। और इसी समय मैं इसमें थोड़ा नमक डाल दूंगी, अच्छे से नमक में इसी में डाल देंगे जिससे छोले अच्छे से पक जाएंगे नमक के। उससे ये मैं 7-8 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ छोले। तो हम इसको उबालने रख देंगे, अच्छे 7-8 सीटियाँ लगाएंगे। तब तक हम प्याज वगैरह काट लेते हैं। तो हम ये 4-5 टमाटर लेंगे, 3 प्याज है, लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक ले लेंगे, इनको काट लेंगे। ये हम तीनों में पीसेंगे, सब सारा पीस लेंगे अभी काट कर। तो ये इतना सारा चाहिए मुझे, 7-8 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ मैं, देख लीजिए। तो भटूरे का आटा लगाने के लिए हमने ये भटूरे का आटा ले लिया है, ये 1 किलो आटा है। और इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच चीनी, छोटी है इसलिए इसको दो कर देंगे, ये 1 चम्मच बड़ी वाली चीनी। और ये डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये बेकिंग पाउडर है, इससे सॉफ्ट बनेंगे, वैसे नहीं होते हैं। ये डालेंगे और इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, ये नमक डालेंगे इसमें थोड़ा सा। 1 किलो के करीब मैदा है मेरा, ये 1 किलो ही है। और ये इसको छाछ से मैं इसको गूंथ लूँगी, ये छाछ रखा हुआ है। तो ये आप समझ गए होंगे कि 1 किलो मैदा लिया है मैंने, इसमें 2-1 चम्मच ये वाली चम्मच समझ लीजिए चीनी भर के डाली है अच्छे से, और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और नमक डाला है स्वाद अनुसार। और मैं इसको छाछ से गूंथ लूँगी अच्छे से, इसको अच्छे से गूंथ लेंगे आटे को। इसको ना ज़्यादा आटे को लूज करेंगे और ना ज़्यादा टाइट करेंगे, मीडियम रखेंगे जिससे आराम से बिल सके। ये देखिए आटा लग गया है, ये आटा ना ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा लूज है, इतना ही लगाइए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। और इस आटे को अब इस लिफाफे में रखकर 1-2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। ये देखिए, ये मैंने लिफाफे में अंदर कवर कर दिया है, इसको 1-2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ये अच्छे से फूल जाएगा। ये इसको रख देंगे 1-2 घंटे के लिए रेस्ट पर। छोले उबलते उबलते 5-6 सीटी आ चुकी हैं, तो मैं इसको गैस को थोड़ा सा कम कर दूंगी। अब इसको कम गैस पर थोड़ा सा उबलने दूंगी जिससे छोले बहुत अच्छे से अंदर तक से उबल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये मोटा मोटा काट लिया है, ये मैंने पीसने के लिए करा है, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची ये मैंने पीसने के लिए करा है। ये छोटी थोड़ी सी प्याज मैंने बारीक बारीक काटी है, ये अलग से डालेंगे पहले। और ये टमाटर इस तरह से बनाएंगे अपन। अब साइड में मैंने कर ली है तड़के की तैयारी के लिए, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पे। और अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। 7-8 लोगों के करीब मैं छोले बना रही हूँ, इसमें ऑयल डालूंगी। और ये मैंने रखे हैं मसाले, ये देखिए ये कुछ खड़े मसाले हैं, आप भी इस तरह से रख सकते हैं, मैंने एक साथ रखे हैं खड़े मसाले, ये मेरे पिसे हुए मसाले और ये छोले मसाले, इनसे ही अपन छोले बना लेंगे आराम से। तो ये मैंने रख दी कढ़ाई, तेल गर्म हो रहा है। तो ये देख लिए मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, इसमें बड़ी इलायची है, काली मिर्ची है, दालचीनी का टुकड़ा है। तो ये मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं और तेज़पत्ता लेंगे। तो तेज़पत्ता मेरा भी है नहीं है, ख़त्म हो गया है मेरा तेज़पत्ता, तो इनसे ही काम चलाऊँगी मैं भी। ये मैंने डाल दिए खड़े मसाले, इसमें डाल दिए मैंने थोड़ी सी हींग, और डाल दिया है मैंने इसमें जीरा, और हमने जो प्याज लहसुन अदरक पीसा था इसको डाल दिया। अभी देखिए क्योंकि अभी तक आ रही है नहीं आते, तब तक मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तड़के की भी बढ़िया से धीमी आंच पकाएंगे, तब तक गैस बंद कर दूंगी मैं, चने उबल चुके होंगे। और कुछ प्याज जो हमने काट काट के रखी थी, अब हम इसको इसमें ही मिला देंगे, इसी के साथ इसको भी भूनेंगे। इसको अच्छे से पिंक होने तक भूनने देंगे। तो प्याज हमारी बच्चे से भून रही है, उसे चलाती रही वरना नीचे से लग जाती है और अजीब सा हो जाता है, उसको चलाती रही और अच्छे से पिंक होने तक इसको खूब अच्छे से भूनना है। तो हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है, देखिए पिंक सी हो गई है ये। तो अब मैं इसको गैस को कम कर दूंगी और मैं डालूंगी इसमें मसाले। मसाले में मैं डालूंगी इसमें सबसे पहले लाल मिर्ची पाउडर। तो ये देख लीजिए मैं इसमें 7-8 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो मिर्ची ज़्यादा मेरी तीखी नहीं है, तो मैं इसको 3 चम्मच डाल लूँगी। ये मैंने 3 चम्मच डाल ली है।
अब मैं डालूंगी पिसा हुआ हरा धनिया, पिसा हुआ धनिया, ये धनिया पाउडर कर लिया था बस। धनिया पाउडर डाल लिया, ये हल्दी इसमें नहीं पड़ती है लेकिन एक पिंच बिना हल्दी के बनता नहीं, तो एक पिंच डालूंगी, बिल्कुल एक पिंच बस। इसको मिक्स करूंगी और इसमें भी छोले मसाला डालना है मुझे। क्योंकि छोले बना रहे हैं तो स्वाद छोले का चाहिए, तो छोले मसाला इसमें ज़्यादा डालेंगे, इसमें 2-3 चम्मच भर के डालेंगे। देखिए मैंने कितना डाल रही हूँ मैं, ये देखिए मैं इतना छोले मसाला डाल रही हूँ इसमें, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बहुत से लोग इसमें चाय पत्ती का पानी डालते हैं, पर मैं नहीं डालती चाय पत्ती का पानी, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इसी समय डाल देंगे इसमें पिसा हुआ टमाटर। कोई ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले ये करो वो करो, सिंपल तरीके से बनाइए, बिल्कुल बहुत टेस्टी बनेंगे छोले। अब इस मसाले को धीमी आंच पे, मीडियम आंच पर पकने देंगे अच्छे से, और थोड़ा सा बीच में इसको ढक भी देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, मसाला बहुत लगा है। उसी समय इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इतनी ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे खुशबू के लिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी अच्छा होता है, तो कसूरी मेथी डाल देंगे। अब इसको पकने देंगे और इसको थोड़ा सा थाली से ढक देंगे, जिससे ना अच्छे से पक जाएगा अंदर से, वरना कच्चापन रह जाता है कभी कभी, तो अच्छे से पक जाएगा। तो हम मसाला चेक करते हैं हमारा मसाला कैसा हो रहा है। ये देखिए मेरा मसाला धीमी धीमी आँच पे कितने अच्छे से पक रहा है, ये देखिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से पक गया है धीमी धीमी आँच पे, थोड़ी धीमी आँच करके प्लेट से ढक दीजिए, तो मसाला बहुत अच्छे से पक जाता है अंदर तक से। देखिए थोड़ा सा अभी और भूनेंगे इसको, अब इसको खोल कर ही भूनेंगे, और गैस थोड़ी तेज़ कर दिया, मैं यहीं खड़ी रहूँगी, इसको चलाती रहूँगी और भूनती रहूँगी। तो हम अपने छोले चेक कर लेते हैं, छोले कैसे हुए हमारे, ये देखिए हमारे छोले कितने बढ़िया से उबले, ये देखिए इसको दबा के दिखाती हूँ, ये देखिए छोले, ये देखिए कितने बढ़िया से उबले, कहीं से भी कोई कच्चापन नहीं है। ये देखिए एक और दूसरा उठाया मैंने, ये देखिए कितना आसानी से दब रहा है। तो पहले तेज़ आंच में 5-6 सीटी लगाने के बाद थोड़ा गैस धीमी करके पकाइए, छोले इतने अच्छे से पक जाते हैं अंदर से, और ये मसाला भुन रहा है बस। और मैंने ये वाली गैस भी चालू कर दी है, ये वाला मसाला मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि कढ़ाई में बनेंगे नहीं छोले, तो मैंने गैस भी चालू कर दी है साथ में ही, और ये मैं मसाला भुनने को ही है बस, भुन चुका है लगभग। इतना मसाला भुनना है कि मसाला तेल छोड़ दे अपना, ये देखिए दिख रहा होगा आपको कढ़ाई की साइड से, तेल छोड़ दे इतना आपको भुनना है मसाले को, अच्छे से चलाते रहिए जिससे वो लगे ना नीचे। अब मेरा मसाला लगभग भुन चुका है, तो अब इसमें से कम 1 चम्मच और ये 2 चम्मच चने इसमें लेके इसको बिल्कुल मसल देंगे, इससे जो गाढ़ापन आएगा ना छोले के ऊपर वो बहुत अच्छे से आ जाएगा, इसमें अच्छे से मसल देंगे इनको। ये देखिए मैंने वो चने अच्छे से मसल दिए हैं, और अब मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, इसमें डाल दूँगी। तो मैंने ये देखिए इसमें मिक्स कर दिए हैं, और अब मैं इसको अच्छे से ढक दूँगी दोबारा ढक्कन लगा के, और 1 सीटी और लगाऊंगी मैं इसमें भी, जिससे ना बहुत अच्छे से वो मसाला बन जाएगा, अच्छे से छोले के ऊपर चढ़ जाएगा। तो 1 सीटी इसको ढक्कन लगा के, चाहे आप ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छा आ जाएगा। ये देखिए मैं ढक्कन लगा के इसमें 1 सीटी और लगा दूँगी, ये देखिए 1 सीटी आने वाली है इसमें। जैसे 1 सीटी आएगी मैं इसको कुकर को बंद, 1 ही सीटी में बंद कर दूँगी, सिर्फ 1 ही सीटी करना है अपन को, बस इसको बंद कर दूँगी। तो जब भी छोले भटूरे बनते हैं ना घर में, तो इस तरह की मिर्ची अपन तल के रख सकते हैं। इसको अब मैंने 2 भाग कर लिए हैं मिर्ची को, पेट काट लिया है इनका, इस तरह से काट लीजिए आप खाकर देखिए इस तरह की मिर्ची। और मैंने नींबू रख ली है, और इस तरह की कर लिया है मैंने 2 भाग, इससे रख लिया है तेल। तो अभी मैं इनको तेल में फ्राई करूँगी, फिर मैं बताऊँगी आगे क्या करना है। तो ये जो मैंने मिर्ची काट के रखी है 2 पीस कर लिए हैं, इनको इसमें डाल देंगे, और डीप फ्राई होने तक इनको अच्छे से तल देंगे। ऐसी मिर्ची जब भी तले तो थोड़ा दूर ही खड़े हो, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं ना वो एकदम चटके आँखों में और कभी कभी लग जाते हैं, तो इनको जब भी तले तो थोड़ा दूर ही खड़े हो, उसका ध्यान रखें इनको, तो पता चले कि ये देखिए जो बीज निकलते हैं ना ये, और मिर्ची को पेट काट दीजिए वरना मिर्ची फट जाती है कभी कभी, तो बहुत चटके लगती है आँख में। तो इस तरह से आप दूर खड़े होकर थोड़ा सा, तो ये मिर्ची तल गई है, अब मैं धीरे धीरे करके मिर्ची को निकाल लूँगी। तो मिर्ची तल के नीचे रखनी, गरम गरम में ही मैं आप इसमें मिलाइए थोड़ा सा नमक, गरम गरम में ही मिला दीजिए। ये देखिए मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, इस तरह से आप करके देखिए, मिर्ची बहुत ही टेस्टी लगती है ये मिर्चियाँ छोले भटूरे के साथ खाने में। और आज मैं प्रॉपर सब छोले भटूरे ही बना रही हूँ, नमक डाल दिया मैंने इसमें, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला,
जिससे ना वो खट्टापन आ जाएगा उसमें। तो खट्टे के लिए हम नींबू भी डालेंगे और टेस्ट के लिए चाट मसाला डालेंगे इसमें। ये चाट मसाला डाल दिया मैंने इसमें और अब डालेंगे इसमें नींबू। ये नींबू डाल के और इसको हम प्लेट में डाल के रख देंगे। ये हमने तैयार कर दी है मिर्चियाँ और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ऐसे करके और नींबू इसमें डाला रहने देंगे अच्छे से। देखिए मेरी मिर्चियाँ तैयार हो गई हैं। तो ये देखिए मेरी मिर्ची रेडी हो चुकी हैं और मेरी मिर्ची रेडी, उनको आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ताज़ी ताज़ी करते रहिए और स्टोर करके 2-4 दिन के लिए चलाते रहिए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अब हम चेक करते हैं कि हमारे छोले कैसे बने हैं। तो अब इसको उठा लेंगे, मेरा इसका बहुत लगता। ये देखिए मेरे छोले बनकर रेडी हो चुके हैं और इसी समय हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए मेरे छोले बनकर रेडी हो चुके हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी होंगे। और मुझे कोई चाय पत्ती बच्ची डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, ये देखिए अभी थोड़ा सा खोलूँगी, ठंडे होंगे तो और फूलेंगे। ये बहुत ही अच्छे छोले बने हैं मेरे। ये देखिए मेरे छोले बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए, और प्लीज़ अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और बेल आइकॉन का बटन दबा के रखिए, ऑल का बटन दबा के रखिए, जिससे जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा तो आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। तो अब हम भटूरे बनाएंगे, तो देख लेते हैं भटूरे का आटा कैसा हो गया। ये देखिए भटूरे का आटा कितना अच्छा सा हो गया है। तो इसको पॉली से निकाल के तो उतना ही निकालूंगी जितना मैं अभी बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ टिफिन में। और ये मेरे छोले भी देख लीजिए ठंडे होके कितने अच्छे से गाढ़ापन आ गया है इनमें। ये देखिए ठंडे किए दिए मैंने, टिफिन में दे रही हूँ मैं इनको। तो ये देख लीजिए, बाकी जो आटा मैंने ढक के रख दिया है और इसके पेड़े बना के ऐसे रख लिए हैं। ये पेड़े बना के रख लिए मैंने और अभी मैं बेल के दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा भटूरा बेल गया है और तेल भी काफ़ी गर्म हो चुका है। इसको इसका तेल गर्म ही रखना है आपको, ठंडा तेल में डालेंगे तो बेकार हो जाएगा। इसका तेल गर्म अच्छी हीट पर आ जाए तभी आप इसमें भटूरा डालिए, चेक कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से तेल गर्म हो गया है, तो मैं इसको भटूरा इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए मेरा भटूरा कितने अच्छे से फूला है। ये देखिए हल्का सा दबा दीजिए, बहुत अच्छे से फूल के आ गया है भटूरा मेरा। ये देखिए छोले भटूरे तली हुई मिर्ची और जीरा राइस कॉम्बिनेशन शानदार है, उसके साथ तरकारी का प्याज काट लीजिए। ये देखिए कितने बढ़िया भटूरे सक रहे हैं। ये देखिए फूले फूले भटूरे, इसको हल्का सा दबाइए। गर्मा गर्म भटूरे आ जाइए आप सब लोग खाने के लिए। ये देखिए मेरे फूले फूले भटूरे बनके रेडी हो गए हैं टिफिन के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। ये देखिए कितने बढ़िया फूले फूले भटूरे, और ये मैंने छोले भी ठंडे कर दिए हैं। तो कितना गाढ़ापन आ गया छोले में आप देख सकते हैं। मैं छोले का और भटूरे का वीडियो अलग अलग डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने एक ही दिन में दोनों चीज़ें बनाई हैं। और तली हुई मिर्ची, तली हुई मिर्ची कहाँ वो दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ये मेरी तली हुई मिर्ची। तो सब कुछ मैंने एक ही दिन में बनाया है, पर मैं वीडियो अलग अलग डालूंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकॉन का घंटे वाला बटन ऑल पर दबा दीजिए, जिससे जब भी वीडियो बनाऊंगी आपको मिलेंगे। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बूंदी का रायता बनाने के लिए मैंने दही मंगा लिया है। ये दही है बाजार का, वो घर का नहीं है, बाजार का दही मंगा लिया है। और इसको मैं पहले इसमें छानूंगी, छानने से क्या होगा दही में चिकनापन आ जाएगा और रायता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मैं इसमें छान लेती हूँ और इस तरह से डाल, ऐसा दही निकलेगा। इस तरह से इसको चम्मच से चलाते जाइए और इसे नीचे छानते जाइए, एकदम छान के चिकना हो जाएगा दही। ये देखिए छान के कितना अच्छा चिकना आ गया है, मैं दिखाती हूँ आपको भी। ये देखिए कितना चिकनापन आ गया दही में, एक भी लम्स नहीं है और चिकना आ गया दही। तो ये मैंने बूंदी ले ली, इनमें मैंने पानी डाल दिया है जिससे एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो निकल जाएगा, उनको छान लेंगे फिर। तो ये मैंने पानी में गला दी है 2 मिनट के लिए, बस सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं करना। आप डालेंगे इसमें मसाले। तो रायते के लिए मैंने जीरा भून लिया है, इसको ऐसे करके भून लीजिए, बहुत ही खुशबू आती है। जो दही हमने छाना था उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना है, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए बहुत ही चिकना और अच्छे से आया है। और अब इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में सबसे पहले मैं डालेंगी लाल मिर्च पाउडर, जैसा भी आप तीखा और कैसा भी खाते हो वैसा। वाइट वाला नमक, और ये जीरा डाल देंगे इसमें। और
इसको मिक्स कर लेंगे। और एक सीक्रेट चीज़ मैं बता रही थी आपको, इसमें एक चम्मच चीनी ज़रूर डालिए आप इसमें, जब भी रायता बनाएं एक चम्मच चीनी, बड़ी वाली छोटी है तो मैंने दो डाली है, एक चम्मच चीनी ज़रूर डालिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब मिला देंगे हम इसमें बूंदी, इसमें से पानी में से निचोड़ निचोड़ के इसमें डाल देंगे, मैंने पानी में भिगो दी थी। और हमने चीनी डाली तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे वो चीनी का हल्का सा हल्के हल्का मिठास बनाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए हमारा रायता बनकर रेडी हो चुका है। और अब डालेंगे हम इसमें हरा धनिया, हरा धनिया ज़रूर डालिए रायते में, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए अब हमारा रायता बनकर रेडी हो चुका है, इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे जिससे और ठंडा हो जाएगा ये। तो मेरा रायता बनाना आपको कैसा लगा और आप किस तरह से रायता बनाते हैं ज़रूर बताइए। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन ऑल पर दबा दीजिए, जब भी वीडियो बनाऊंगी तो आपको ज़रूर पहुंचेगा। और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।